ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। हरिद्वार के जिलाधिकारी दीपक रावत लगातार अपने क्षेत्र में सरकारी विभागों का औचक निरीक्षण कर विभागों में हो रही धांधली को पकड़ने का काम कर रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने एक बार फिर सरकारी विभाग में छापेमारी कर वहां चल रही धांधली को पकड़ने का काम किया। सोमवार को जिलाधिकारी दीपक रावत को सूचना मिली कि आरटीओ कार्यालय पर वाहन पंजीकरण फॉर्म नहीं मिल रहे हैं। सूचना मिलते ही दीपक रावत आरटीओ कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने फॉर्म न मिलने वाली खबर को सही पाया। उन्होंने कार्यालय के बाहर बैठे एक युवक को वही फॉर्म बेचते देखा और वो चौंक गए। जिसके बाद उन्होंने फॉर्म बेच रहे व्यक्ति का पता निकलवाया तो वो और कोई नहीं बल्कि कार्यालय में काम करने वाले बाबू का ड्राइवर निकला। जिलाधिकारी ने ड्राइवर को फटकार लगाते हुए नाराजगी जाहिर की और उसके ऊपर कार्रवाई के आदेश दिए। सुबह मुझे एक शिकायत फोन पे मिली थी। शिकायतकर्ता का नाम अनिल कुमार था और इन्होंने बताया कि ये एक स्कूटी का अपना लाइसेंस बनाने गए हैं और वहाँ पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनको फॉर्म नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फॉर्म देहरादून से मिलेगा, फॉर्म नहीं है। तो उनसे मैंने कहा मैं स्वयं मौके पर आ रहा हूँ। मैं मौके पर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो एक बाबू हैं, जो क्लर्क हैं, उनका जो ड्राइवर है, उनका नाम मंजीत है ड्राइवर का, वो वहाँ पे फॉर्म्स के काउंटर पे बैठा हुआ है और उसी ने लोगों से कहा कि फॉर्म अभी देहरादून से आएगा, आप चाहें तो फॉर्म बाहर से मिल सकता है 20 रुपये में। बाहर जाके मैंने देखा तो वहाँ पे एक व्यक्ति ने काउंटर लगाया हुआ था जो कि दलाल प्रतीत हो रहा था। उसका सामान भी जब्त कर दिया गया और उनको वहाँ से हटा भी दिया गया। साथ ही मैंने ARTO को निर्देशित किया है कि समय समय पर अपने दफ्तर में वो खुद भी निरीक्षण कर लें कि वहाँ पर काम कैसे चल रहा है। जो सरकारी व्यक्ति हैं वो ही फॉर्म बेचें और किसी तरीके से जो भी वहाँ पे आवेदक हैं उनको दौड़ाया ना जाए, परेशान ना किया जाए कि फॉर्म नहीं है, क्योंकि फॉर्म्स वहाँ पे उपलब्ध रहने चाहिए और जो सरकारी फी निर्धारित है उसी फी पे मिलने चाहिए, किसी प्रकार के कोई दलाल दफ्तर में नहीं होने चाहिए। वहीं ARTO मनीष तिवारी ने भी मामले को गंभीरता से लेकर कहा कि जो भी अनियमितताएं पाई गई हैं उस पर कार्रवाई अवश्य की जाएगी। कोई व्यक्ति आए थे जिनको कि कार्यालय में फॉर्म उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, उनके द्वारा शिकायत की गई कि कार्यालय में फॉर्म उपलब्ध नहीं है और उनसे कहा गया कि फॉर्म हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, बाहर से ले लें। ये शिकायत उस व्यक्ति के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को की गई। जिलाधिकारी महोदय यहाँ पे आए और संबंधित पटल पे जो वहाँ पे जिस फॉर्म पे वहाँ दे रहे थे वहाँ पे किसी व्यक्ति ने बताया कि वो हमारे किसी कर्मचारी का ड्राइवर है जो उस व्यक्ति को फॉर्म दे रहा था। इस तरह की शिकायत DM साहब को प्राप्त हुई तो DM साहब ने यहाँ पे फिर मुझसे कहा कि इसका संज्ञान लेकर संबंधित व्यक्ति और संबंधित कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिल्ली दर्पण TV के लिए हरिद्वार से आलोक शर्मा की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण TV पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर